दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है एकादशी, तो आज बना रहे हैं कचौरी। ठीक है, आज कचौरी देखना मैं कैसे बनाती हूँ। अब मेरे हाथ की कचौरी खाओगे ना तो भैया उंगली चाटते रह जाओगे। ठीक है, फिर बोलोगे बार बार, भाभी हमें तो आपके हाथ की कचौरी चाहिए, आपके हाथ की कचौरी चाहिए। अरे देखो मैं मजाक नहीं कर रही, अपनी बड़ाई ना मार रही, अच्छी बनाते हैं। आज तक भैया जिसने भी खाई है मेरे हाथ की, सब भैया तरसते रह गए। ठीक है, ऐसी कचौरी अब भैया हम बना में ही ऐसे हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई। तो दोस्तों आलू मैंने उबाल लिए हैं। ठीक है, आलू तो दोस्तों इस बार खराब से आ रहे हैं, बहुत बेकार आलू आ रहे हैं। पता नहीं क्या काले काले से अजीब से आलू ने बड़ा दिमाग खराब कर रखा है मेरा। ठीक है, तो आलू मैंने उबाल लिए पहले से ही। ठीक है, अभी इन्हें मैंने छील भी लिए हैं और इन्हें कर लेती हूँ। अब दोस्तों आज गैस है, एकादशी है, तो मैं इसमें प्याज वगैरह डाल मतलब लहसुन और वो नहीं डालूंगी, क्योंकि पूजा की है तो इसलिए अब कुछ फालतू की चीज़ नहीं डालूंगी। मतलब सिंपल ही मसाले डालेंगे, मतलब वही हल्दी, हल्दी भी नहीं डलती, मिर्च और वही नमक वमक यही डालेंगे। ठीक है, और मैंने इसमें धनिया पाउडर घेर दिया, ऐड कर दिया थोड़ा सा, और हरी मिर्चें। हरी मिर्च दोस्तों अब ये चरबरी ना आ रही, बिल्कुल भी तीखी ना है, अच्छी है। मैंने घेर दी इसमें चार पाँच, वरना इन पर एक मिर्च ना जलती, अगर तीखी हो ना तो एक मिर्च ना खाई जाए इन पर, थोड़ी अच्छी लगे दोस्तों। और क्या खाने में, और पता ना आलू तो भैया इस बार कैसे आ रहे हैं, अभी नए आलू स्टार्ट हो जाएंगे, अभी ये पुराने आलू आ रहे हैं अभी। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें धनिया और गिर दूंगी, ये वो भी रखा है क्या बोलें, धनिया धनिया आटा गूंद लेती हूँ। आटा थोड़ा सा दोस्तों मुलायम गूंदना, मतलब ढीला गूंदना, ताकि आराम से कचौरी भर जाए, फटे ना, क्योंकि अगर तुम टाइट गूंदोगे तो फिर कचौरी फटती है, लेकिन हमारे तो फटी ही मांगते हैं वैसे भी, पर लेकिन फिर भी मैं तो बनाती हूँ ऐसी हूँ फटी फटी, क्योंकि हमारा तो कोई खाए ना दोस्तों बिल्कुल भी। अगर ऐसी बना दो ना गेंसिन है, आप लोगों को गेंसी अच्छी लगती होंगी मुझे पता है, लेकिन हमारी गेंसिन ना कोई ना खाता, क्योंकि हमारा तो उनसे कब्जी हो जाए, क्योंकि जो उनकी जो चटनी होती है ना, और मतलब इनका यूँ फील होता है कि वो मतलब कि पकी ना है, कि जब तक उसमें तेल ना भर जाए, ना मेरी छोरी खाए, ना मेरा आदमी खाए, ना मेरा बेटा खाए, यहाँ तक कि मेरे और रिश्तेदार भी ना खाते। ठीक है, तो हम तो भी फटी फटी बड़ी बड़ी सी कचौरी बनाते हैं, छोटी छोटी भी ना बनाते, बड़ी बड़ी बनाते हैं। और थोड़ा सा हलवा बना दिया मैंने, अब दिखाया नहीं है पूरा, बहुत बड़ी वो बन जाती है फिर वीडियो, तो अब मैंने थोड़ा ही थोड़ा, क्योंकि अब किस किस चीज़ की दिखाऊं मैं अभी, इसमें तो मैं रेसिपी के मैं ब्लॉग ही बना देती हूँ, पर रेसिपी भी होती है इसमें, ऐड ब्लॉग भी होता है, दोनों चीज़ होती हैं। अब इसमें दोस्तों अब ये मैं और चीज़ ड्राई फ्रूट इसमें इसलिए डाल रही, क्योंकि मेरा बेटा ना खाता, बेटी भी ना खाती, तो ड्राई फ्रूट हमेशा मेरे उसमें इसलिए नहीं डाले रहते हलवे में। आप ये लोग सोचते होंगे कि भाभी कभी ड्राई फ्रूट ना डालती। अब देखो दोस्तों अब रेसिपी के चक्कर में अब ये तो ना मैं कि अब ख़राब कर दूँ उसको, क्योंकि आप लोगों को पसंद तो आप डाल लो उसमें, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते तो इसलिए मैं डालती नहीं हूँ, ये तो अलग से डालने पड़ते हैं, डाल लो अपनी मर्जी है तुम्हारी। तो मैंने हलवा भी बना दिया, अब कचौरी बना लेती हूँ फटाफट कर दोस्तों। आज थोड़ी लेट भी हो गई मैं, क्योंकि पूजा भी करनी है फिर मुझे वो करके, और फिर हमारे यहाँ तो भी गांव में तो ऐसा होता है कि फिर गांव की औरतें आती हैं तो जो सामान मैं पूछती हूँ फिर उनको देना भी पड़ता है। ठीक है, तो आज मैं वैसे भी लेट हो गई थोड़ा सा, तो इसलिए तो फटाफट कर लेती हूँ, फिर पहले पूजने के लिए बना लूँ फिर बनाऊँगी आराम से। देखो कितनी बड़ी बड़ी बनाई है ना, मैं बोल रही थी ना एक ही कचौरी आई है पूरे उसमें। ऐसे ही कचौरी खाते हैं हमारे घर में दोस्तों, सही बता रही हूँ आप लोगों, जो वो गैंसी ना होती ना उन्हें तो कोई पसंद भी ना करेगा हमारे घर में। ऐसी चाहिए ना बड़ी बड़ी सी, लंबी लंबी ऐसी फूल, वो मतलब कि इसमें तेल भरा हुआ, तब बड़े आराम से खाते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों मुझे पसंद ना ये वाली, मेरे पे ना खाई जाती, इनके लिए तो मैं बना देती हूँ लेकिन मेरे से ना खाई जाती। ठीक है, क्योंकि मेरा ना एक तो मैं जैसा भी ये की चीज़ बना रही हूँ तो वो चढ़ जाता है तेल सर में, तो मेरे से भी ऐसी चीज़ ना खाई जाती है, ऊपर से भी तेल वाई रहा तो मैं और ना खाई जाती, पर इनको चाहिए ये दोस्तों। उसमें जब चांदनी चौक में जाते हैं ना तो वहाँ पे मिलती हैं पराठे, अच्छे लगे हैं खाने में, तो उस ऐसी हो गई एक प्रकार से बड़ी बड़ी सी, एक दोस्तों अच्छी लगती है खाने में, ऐसी बात ना, उधर चिपक भी गई वो, मैंने थोड़ा उधर को डाल दी उसमें। ठीक है, लेकिन थोड़ी धीरे धीरे गैस पे ही करो ताकि अंदर से वो पक जाए, लेकिन जो भी है दोस्तों खाने में तो टेस्टी लगती है ना, ये बात तो है। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन खाने में अच्छी लगती है। अब तो हम दही तो हम खाते ना इस टाइम ऐसे मौसम में, क्योंकि खांसी खुर्रे का डर रहता है, तो चाय बनाएंगे। चाय के साथ कासू तो उसके साथ खाती है, सॉस के साथ, या फिर अचार के साथ खा लो,
अचार भी मैं अब इस टाइम थोड़ा कम ही खा रही हूँ, पर का